भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा MSMEDI वाराणसी दी स्माइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों द्वारा अपने उत्पाद का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया पर एक सार्थक एवं विस्तृत कार्यशाला आयोजित की गई। अपने स्वागत उद्बोधन में दी स्माइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश भाटिया ने लखनऊ से आए हुए शाखा प्रमुख श्री AK महाराणा जी का स्वागत करते हुए बताया कि उद्यमियों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण अत्यंत आवश्यक है। आज की प्रतिस्पर्धता के युग में बाजार में स्वयं को स्थापित करने एवं अपनी उपस्थिति लगातार बनाए रखने हेतु उत्पादक की गुणवत्ता का होना अति आवश्यक है। आज की यह कार्यशाला का आयोजन इसी हेतु किया गया है। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के लखनऊ कार्यालय से पधारे वैज्ञानिक श्री AK महाराज से इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया है, जिससे सभी उद्यमियों को अपने अपने उत्पाद को भारत मानक ब्यूरो का सर्टिफिकेट लेने में आसानी हो सके। माध्यम से किया जिसमें प्रमुख रूप से प्रशांत अग्रवाल, दिलीप मौर्य, प्रशांत कुमार गुप्ता, उदय जयपुरिया, शंकर संजय सिंह, मनीष कटारिया, अजय जायसवाल, ज्ञानेश्वर गुप्ता, अशोक भंसाली ने किया। श्री हिमांशु शेखर, श्री राजेश चौधरी, OP पटेल इत्यादि अधिकारी उपस्थित रहे। ये न्यूज के लिए वाराणसी से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? ये भारतीय मानक ब्यूरो है, इसके साथ द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से आज ये कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें MSME वालों का बहुत सहयोग रहा है। इसमें ये बताया गया है कि जो भारत मानक ब्यूरो है उसमें आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को आप स्थापित कर सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, उसके लाइसेंस फीस क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, उससे उसके द्वारा कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे बाहर के माल को किस स्टैंडर्ड के ऊपर रखकर हम बाहर के माल को रोक सकते हैं कि वो यहाँ ना आने पाए। ये बहुत ज़रूरी है भारतीय उत्पादों के लिए। तो ये 2016 में इसका जो है ये इसका गठन हुआ था और आज ये काफ़ी प्रचलित है और इसको लेना बहुत ज़रूरी हो गया आज की किसी भी इंडस्ट्री के लिए। सर, बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं अब नहीं होगी इस ट्रेनिंग के बाद? इस ट्रेनिंग के बाद से जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट, तो उस पर क्वालिटी का एश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है और जब आप अवेयरनेस हो जाते हैं क्वालिटी के हिसाब से तो आपकी जो है वो रिजेक्शन काफ़ी कम हो जाते हैं, वो आपको फायदा करता है। प्लस ग्लोबलाइजेशन में आप जो है कॉम्पीट करने में काफ़ी आराम हो जाता है। कहीं भी आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आपको ये होता है कि आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, भारतीय मानक ब्यूरो का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर काफ़ी सहूलियत मिलती है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री में। रेट की बात की जाए तो देखा जाए तो मार्केट में रेट का भी बहुत कंपटीशन आ रहा है, इसमें रेट से भी हम लोग डिमांड करेंगे कि फीस जो कुछ कम की जाए, क्योंकि फीस जो है वो होना चाहिए प्रोडक्ट के हिसाब से और प्राइस के हिसाब होना चाहिए। इन्होंने खाली प्रोडक्ट के हिसाब से फीस दिया, ये गलत है। इसका हम लोग सुझाव देंगे कि इसको एज ए कितना प्रोडक्ट का प्राइस क्या है उसके हिसाब से फीस करिए, ना कि किसी प्रोडक्ट के हिसाब से फीस कर दीजिए। ठीक है। इस क्षेत्र में जो उद्योग हैं वो लोग भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेने के लिए, जो ISA मार्क का लगता है अपने उत्पादों के ऊपर लाइसेंस लेने के लिए, कैसे वो हमारे लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, उनके उत्पादों के लिए कौन सा भारतीय मानक उनके उत्पादों के लिए लागू होता है उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, हमारे पास हमारी जो जानकारी जो हमारी वेबसाइट पर है उसकी जानकारी कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम का, जिससे कि उद्योग जो हैं पहले जो अपने उत्पाद बना रहे हैं उसकी जो संबंधित जो भारतीय मानक है उसको आइडेंटिफाई कर सके और फिर उस भारतीय मानक के हिसाब से अपने उत्पादों को बनाने के बाद हमसे लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, वो सारा प्रोसेस हमने उनको